Hello all, this is Niharika Jayani with 25 idioms and phrases as requested. अभी बेसिकली एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो जितने भी सीजीएल एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं 20 मींस इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी एक कोर्स बनाऊं. तो क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम है, इसलिए मेरा ऑलरेडी 50 जनरल अवेयरनेस का डेली बेसिस पे और 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डेली बेसिस पे चल रहा है. इस वजह से मैंने इसको नाम जो है वो डेली नहीं दिया है. डेली इसलिए नहीं दिया है क्योंकि कभी बाय चांस स्किप हो जाए तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डेली नहीं दिया है. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली ये सीरीज़ डालूँ. बट इन केस कभी एक दो दिन बीच में स्किप हो जाए तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दिस. मैं कंटिन्यूएशन में ये डालूंगी अपने लेवल पे, 100% लेवल पे. बस मैं डेली ना डाल के थोड़ा सा कमिटमेंट से बच रही हूँ और कुछ नहीं है. बट हाँ, 25 idioms एंड phrases, हर एक लेक्चर के अंदर 25 idioms एंड phrases कवर होंगे जो कि SSC CGL एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं. एंड जो भी SSC CGL के अलावा भी जो एस्पिरेंट्स है जैसे CHSL वगैरह के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जिनमें भी आता है उनको भी ये हेल्प करेगा. तो हर एक लेक्चर के अंदर 25 idioms एंड phrases कवर होंगे. एंड जो लेक्चर्स हैं वो day 1, day 2, day 3 इस तरीके से रहेंगे. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ SSC एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले डाल सकूँ. 5th of August 2017 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं एज़ पर द न्यू नोटिस. स्टिल वी आर लेफ्ट विद 15 डेज. तो मैं अगर 15 डेज भी डेली डालूंगी तो काफ़ी idiom phrases आपके कवर हो जाएंगे. तो स्टार्टिंग विद टुडेज, द ऑर्डर ऑफ द डे जो पहला idiom है, देखिए क्या होता है. द ऑर्डर ऑफ द डे, द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब आज का टाइम, आप यूँ बोल सकते हैं. आज के टाइम का मींस रिवाज, आप यूँ बोल सकते हैं. आज के टाइम का रिवाज जो, इसका मतलब क्या होता है. द ऑर्डर ऑफ द डे, द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, अभी आज का, आजकल जो पर्टिकुलर चीज़ों का रिवाज चल रहा है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, द ऑर्डर ऑफ द डे. ज़्यादातर क्या होता है, दादी माँ, दादाजी, ये वर्ड्स का काफ़ी यूज़ करते हैं कि भाई आजकल तो ये हो गया है, पहले हमारे ज़माने में ये होता था, राइट. द ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स आज का रिवाज. टू क्राई फॉर द मून, आस्क फॉर इम्पॉसिबल. टू क्राई फॉर द मून मतलब आपको पता है जैसे हनुमान जी भी थे, तो मीन्स वो सूरज को बचपन में सूरज को पकड़ना चाहते थे, राइट. ऐसा करके कुछ स्टोरी है, आई एम नॉट वेल अवेयर, सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, ऐसा सा है कि ई स्टार्टेड क्राइंग फॉर सन, कि मुझे ये चाहिए है, राइट. वैसे क्राइंग फॉर द मून कि मुझे मून चाहिए, कोई छोटा बच्चा लग जाए कि मुझे चांद ला के दो, ठीक है. या जैसे जनरली बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूंगा टाइप जो होता है. टू क्राई फॉर द मून तो मतलब आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो इम्पॉसिबल है, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, ठीक है. अंडर द काउंटर, जनरली करप्टेड, करप्शन के अंदर ये बोला जाता है, अंडर द काउंटर दे जाना, दैट मीन्स सीक्रेटली या इलीगली दे के चले जाना. अंडर द काउंटर मतलब मीन्स बेंच के नीचे से, कहने का मतलब, यानी कि सीक्रेटली इलीगली. अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब अनवेल, यानी कि देखिए एक मौसम की वजह से, जैसे मौसम चेंज होने की वजह से बीमारियां हो जाती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं. अंडर द वेदर मीन्स कि जो वेदर है, मीन्स यू कैन, दिस इज़ अ idiom बेसिकली, याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अंडर द वेदर मीन्स यू आर अंडर द वेदर, मीन्स मौसम के अंडर में, यानी कि अनवेल है, मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं है, ठीक है. टू ब्लो समवन अप, टू ब्लो समवन अप मीन्स टू स्कोल्ड समवन सीवियरली. स्कोल्ड मतलब डांटना, समवन सीवियरली मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को डांटना. टू ब्लो समवन अप मीन्स किसी पे आग बबूला हो जाना, काइंड ऑफ, ठीक है. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मीन्स जो हो गया उसको भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, कहने का मतलब. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया. टू फॉरगेट द पास्ट स्पेशली आफ्टर क्वारल, लड़ाई हो जाती है तो बोल देते हैं ना भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, तो मीन्स टू फॉरगेट द पास्ट. टू रब समवन द रॉन्ग वे, टू रब समवन द रॉन्ग वे मतलब बार बार किसी को परेशान करना, गलत तरीके से उसको बार बार पोक करना, है ना. तो टू अनॉय समवन, बार बार किसी को परेशान करना. टू पुट वंस एनिमी टू फ्लाइट, टू पुट्स वन एनिमी टू फ्लाइट मतलब टू डिफीट वंस एनिमी, अपने दुश्मन को हरा देना. तो यानी कि मैंने तो अपने एनिमी को उड़ा दिया, यू कैन से दैट हिंदी में. टू पुट वंस एनिमीज
टू फ्लाइट मतलब टू डिफीट वंस एनिमी मतलब हरा देना, टू कॉल इन क्वेश्चन मीन्स टू कॉल इन क्वेश्चन मीन्स बार बार क्वेश्चन करना, डाउट करना, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं. टू कॉल इन क्वेश्चन मतलब टू डिसअप्रूव, या तो आपने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए या आप क्या कर रहे हो डाउट कर रहे हो. तो टू कॉल इन क्वेश्चन क्या हो गया, टू डाउट. टू टॉक थ्रू वंस हैड अपनी टोपी से बात करो हिंदी का मतलब बेसिकली ऐसा करके. टू टॉक थ्रू वंस हैड मतलब टू टेक टू टॉक इग्नोरेंटली मतलब कम्प्लीटली इग्नोर मारते हुए मीन्स ऐसे भाव खाते हुए किसी से बात करना. टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू मेकअप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड कि मैंने तो अपना मन बना लिया है. आप बोलते हो ना मैंने तो अपना मन बना लिया, यानी कि मैंने डिसाइड कर लिया है. टू मेकअप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड. टू मेक वंस माउथ वाटर यानी कि मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है. टू मेक वंस माउथ वाटर ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू स्टिम्युलेट वंस एपिटाइट. टू स्टिम्युलेट मतलब स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना है ना. वंस एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख लगना, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जा रही है या किसी की भूख बढ़ाना, तो आप बढ़ रही है जैसे, तो क्या बोलेंगे, टू मेक वंस माउथ वाटर यानी कि मुंह में से पानी आ रहा है काइंड ऑफ ठीक है. टू सेल अंडर द फॉल्स कलर, सेल अंडर द फॉल्स कलर मतलब टू प्रिटेंड टू बी व्हाट वन इज़ नॉट, मतलब कोई ऐसा इंसान जो वो खुद वैसा ना हो पर वो दिखा रहा हो कि मैं वैसा हूँ, तो ये इडियम उनके लिए है, टू सेल अंडर फॉल्स कलर. अच्छा मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या था, हाइपोक्राइट. वेरी गुड, हाइपोक्राइट मैंने एक वर्ड बताया था, ऐसे इंसान जो वो खुद होते नहीं हैं पर दिखाते रहते हैं, ऐसे इंसान कैसे होते हैं, हाइपोक्राइट राइट. टू सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब टू प्रिटेंड टू बी व्हाट वन इज नॉट. टू मेक अ गो ऑफ समथिंग, टू मेक अ गो ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग सक्सीड किसी चीज़ को सक्सेसफुल बना देना. तो मतलब टू मेक अ गो ऑफ समथिंग कि लेट इट गो, इसको करने दो, इसको चलने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, लेट इट बी सक्सीड, उसको सक्सेसफुल करना है ठीक है. टू मेक समथिंग सक्सेसफुल मतलब टू मेक अ गो ऑफ समथिंग. टू गो विंडो शॉपिंग, ये तो बहुत बार यूज़ करती हैं लड़कियाँ कि विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, चलो मॉल घूम के आते हैं है ना. टू लुक एट गुड्स ऑन सेल विदाउट अ सीरियस इंटेंशन ऑफ बाइंग ठीक है, बॉयज़ भी करते हैं ऐसी बात नहीं है ठीक है. टू गो विंडो शॉपिंग. टू मेक अ पिग ऑफ वनसेल्फ, टू मेक अ पिग ऑफ वनसेल्फ मतलब टू ओवर ईट मतलब खाई जा रहे हैं बेसिकली. टू तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप का पिग बनवा रहे हो, मतलब टू मेक अ पिग ऑफ वनसेल्फ मीन्स टू ओवर ईट. ये मैं जस्ट याद करने के लिए फन वे में आपको बता रही हूँ ठीक है, आपको बस याद रहना चाहिए और कुछ नहीं है. डंकीज़ ईयर, डंकीज़ ईयर मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद कुछ होता है तो डंकीज़ ईयर ठीक है. टू ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड, टू फोर्स अ कन्फ्रंटेशन मतलब टू ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड मीन्स अब मैटर्स को खुरेद खुरेद के बाहर लेके आ गए हैं और आज वो दिन है कि अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा. मतलब टू फोर्स अ कन्फ्रंटेशन मतलब ऐसी सिचुएशन पे आ जाना जहाँ पे आपको अब कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, पहले चल रहा था जो चल रहा था. तो मीन्स टू ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड मतलब मैटर्स को आगे लेके आना, बढ़ा चढ़ा के अब उसको रिजॉल्व करने की सिचुएशन में आना. टू पुल वंस लैंग मतलब बोलते हैं किसी की टांग खींचना, यानी कि टू जोक या टीज समवन, किसी को परेशान करना, छेड़ना है ना. तो टू पुल वन एग मतलब वंस लैग मतलब टू पुल वंस लैग मतलब किसी की टांग खींचना. टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब मिड नाइट ऑयल बर्न करना मतलब रात भर जगते रहना. वर्क अंटिल लेट एट नाइट, वर्क तो पता नहीं मूवीज़ के लिए तो सभी जगते हैं ना. वर्क अंटिल लेट एट नाइट, लेट नाइट तक काम करते रहते हैं जो, उसको क्या बोलते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, टू कीप वन फिंगर क्रॉस्ड मतलब टू होप फर्वेंटली. बहुत बार ऐसा होता है ना कि कसम खाते हैं और फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, या फिर मीन्स कुछ होप कर रहे होते हैं तो फिंगर क्रॉस कर लेते हैं. तो टू कीप वंस फिंगर क्रॉस मतलब कि आप होप कर रहे हैं. फर्वेंटली मतलब बहुत पैशनेट तरीके से, इंथुसियाज्म से, एनर्जी से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, होप कर रहे हैं. टू राइड द हाई हॉर्स, टू राइड द हाई हॉर्स मतलब टू अज्यूम एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब यानी कि अपने आप को बहुत हवा, बोलते हैं ना मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ टाइप्स. टू राइड द हाई हॉर्स. नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम मतलब दे डिसलाइक ईच अदर, मतलब वो अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. तो एक दूसरे को पसंद ना करना मतलब नो लव लॉस्ट बिटवीन देम ठीक है. टू बी अ वेट ब्लैंकेट, टू बी अ वेट ब्लैंकेट मतलब टू डिस्करेज और डिप्रेस अदर्स, दूसरों को डिप्रेस करना, डिस्करेज करना, उसको क्या बोलते हैं, टू बी अ
वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट बेसिकली अगर मान लो मैं आपके ऊपर गीला ब्लैंकेट मीन्स आप गीला ब्लैंकेट यूज़ करें है ना, तो आप परेशान ही होंगे ना बेसिकली। तो मीन्स वेट ब्लैंकेट का काम करना मतलब किसी और को डिस्करेज करना, डिप्रेस करना। हार्ड एंड फास्ट रूल, ये बहुत बार यूज़ करते हैं, यानी कि रिजिड रूल्स, बहुत टफ रूल्स होना, राइट। तो विद दिस टुडेज 25 इडियम्स एंड फ्रेजेज आर कवर्ड। आई होप सो आपको ये नया कोर्स पसंद आया होगा, और ऑन रिक्वेस्ट ये बनाया गया है, सो प्लीज़ डू रेट रिव्यू एंड कमेंट, रेट कीजिए रिव्यू कीजिए, एंड कोई भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से अपने एक डाउट सेशन डाउट क्लास लेके उसको कवर कर लेंगे, डाउट क्लास बना लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे उनको एक साथ कवर कर लेंगे। सो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। द ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स आज का ज़माना, टू क्राई फॉर द मून्स मीन्स इम्पॉसिबल चीज़ के लिए पूछना, अंडर द काउंटर मीन्स सीक्रेटली इलीगली, अंडर द वेदर मतलब अनवेल होना, टू ब्लो समवन अप मीन्स किसी को डांट देना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स जो हुआ सो हुआ, टू रब समवन द रॉन्ग वे यानी कि किसी को बार बार परेशान करना, टू पुट वन एनिमी टू फ्लाइट एनिमी को हरा देना, टू कॉल इन क्वेश्चन मतलब डाउट करना, टू टॉक थ्रू वन सैट मतलब इग्नोर मारना, टू मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड करना, टू मेक वंस माउथ वाटर मीन्स मुँह में पानी आ जाना, भूख लगना, टू सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब जो है नहीं वो दिखाना, टू मेक अ गो ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने में लग जाना, टू गो विंडो शॉपिंग मीन्स कुछ खरीदना नहीं है, घूमने फिरने देखने जाना, टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ मीन्स टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा खा लेना, डंकी इज ईयर मतलब बहुत टाइम बाद, टू ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड मतलब ऐसी सिचुएशन पे आ जाना कि अब तो कुछ करना ही है, टू पुल वंस लेग मीन्स टीज समवन किसी को परेशान करना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स रात भर काम करना, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस मतलब होप रखना, टू राइड द हाई हॉर्स मीन्स टू अज्यूम एन एयर सुपीरियरिटी मतलब हवा में उड़ना, नो लव लॉस बिटवीन देम मतलब एक दूसरे को डिसलाइक करना, टू बी अ वेट ब्लैंकेट मतलब किसी को डिस्करेज या डिप्रेस करना, हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब रिजिड रूल्स। सो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, प्लीज़ डू रेट रिव्यू एंड कमेंट, और साइड में राइट साइड में यहाँ पर आपका एक इस तरीके का एरो शो हो रहा होगा अपवोट का, तो दिस इज़ द लाइक बटन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपवोट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, बहुत कुछ करने को कह रही हूँ मैं आपको, बहुत सारा काम हो गया है ना, तो प्लीज़ डू रेट रिव्यू कमेंट एंड शेयर रिकमेंड, और इफ़ पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूट, this is completely optional, if you like my videos and if you can afford that then please contribute, but please rate review and comment, aapke reviews ratings aur aapke jo comments hote hain wo mujhe motivate karte hain ye kaam karte rehne ko, so thank you so much all, keep watching।